ये बैग कुछ खास नहीं लग रहा है ना, तुझे पसंद आया क्या? नहीं नहीं, मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगा। बैग किस लिए भाभी? बताती हूँ भैया। हाँ जी बोलिए। ये बैग निकालो जी। इसे पढ़ो। दिस इज टू कंफर्म दैट डॉक्टर के राधाकृष्णन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। सर, इसरो के राधाकृष्णन जी। यस। राधाकृष्णन जी हमारे कॉलेज में आ रहे हैं। यस यस यस। उनके साथ 5 मिनट का इंटरेक्शन मुझे मिलेगा क्या सर? आई नो यू आर अ बिग फैन ऑफ हिम। मैं प्रिंसिपल साहब से बात करूंगा। hey, तुम लोगों को पता है कौन आ रहा है? इसरो के राधाकृष्णन जी हमारे कॉलेज में आ रहे हैं। इसे सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ। वो कौन है? hey, वो फेमस साइंटिस्ट है यार, इसरो चंद्रयान। तुझे तो बताना ही बेकार है। मैं घर जाके माँ को बताता हूँ ये बात। शाम को तेरा ट्यूशन नहीं है, सबको मैसेज कर देता हूँ। 5 बजे मैं पहुंच जाऊंगा, मैसेज कर दे। इतनी टेंशन में भी तुझे क्लास जाना है। इट्स सिमिलर टू दैट। डिफरेंस बिटवीन इनलाइन फंक्शन एंड फंक्शन सिंपल है यार। अनलाइक फंक्शंस, वी डिफाइन इनलाइन फंक्शन इन द कोड इटसेल्फ। तो कंपेयर के लिए एग्जीक्यूट टाइम होता है। इतना ही ना? बस इतना ही। ओके थैंक यू, चलते हैं। तुझे समझ में आया नहीं? उन्हें समझ में आया। क्या समझ में आया? तू बताता है तो आसान लगता है, लेकिन एग्जाम में लिखते हुए दिमाग काम नहीं करता। कहीं तो देखा है, बस ऐसा लगता है, पर याद नहीं आता। हे, अगर इस बार मैं पास हो गया तो तुझे एक बढ़िया सी मैकबुक दूंगा। जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरी बुक काफी है। हा? मैं 1 महीने से रोज आ रहा हूँ तो ये फीस है क्या ये? हाँ। इसे अपने पास रखो। ले लो भैया, बाहर ट्यूशन के लिए इससे ज्यादा देना पड़ता है। शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, इसलिए ये कर रहा हूँ, पैसों के लिए नहीं। समझ गया ना? चल अब जा। hey, bye. 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 Hey, सिद्धार्थ, चलता हूँ यार। फीस लेकर नया लैपटॉप खरीद सकता है, तू इतने पुराने लैपटॉप को कब तक इस्तेमाल करेगा? लास्ट मंथ ही मैंने रैम और प्रोसेसर अपडेट करवाया है, 10,000 खर्च किए हैं। देखना कितना फास्ट चल रहा है। hey, इस बेकार लैपटॉप पे तूने 10,000 खर्च कर दिए, एक्सचेंज करके नया लैपटॉप ले सकता था यार। ये लैपटॉप मेरी जान है, मेरे मम्मी पापा ने 1-1 रुपया जमा करके खरीदा है, इसलिए मैं इसे बेचूंगा नहीं, हमेशा अपने साथ रखूंगा। गिर गया। हेलो हेलो बॉस। हेलो, इधर सुनो। हाँ? ये लेटर कार के ऊपर रख दो ना। वो वाली कार? हाँ, वाइपर, वाइपर के नीचे। पता नहीं क्यों इसे यहाँ रखवाया। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो? इट्स माय कार। ओह ओके। हेलो, उस लेटर में क्या है? आई डोंट नो। लव लेटर है क्या? मे बी, उन लोगों ने कहा कि लगता है चले गए वो लोग। एनीवेज, पेपर वेस्ट मत करो, गिव इट टू सम अदर गर्ल। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये लव लेटर मेरा नहीं है, चाहो तो हैंड राइटिंग चेक कर लो मेरी। व्हाट? सुंदरता का कोई दूसरा नाम होगा तो वो तुम्हारा ही होगा। तुम्हारी गहरी नशीली आंखें किसी को भी मदहोश कर देती हैं। तुम्हारे होठों की मुस्कान किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। भगवान की बनाई नायाब कलाकृति हो तुम। Forget about handwriting, ऐसा लेटर में अपनी जिंदगी में नहीं लिख सकता। What? Really? It's all a joke. इसमें सब झूठ लगा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओहो, तुम होते तो क्या लिखते? पहले किसी से प्यार तो हो जाए। ए सुरेश, लगता है वो सेठ है, अब दूसरे नंबर से बात कर रहा है, ले बात कर। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? साईराम है क्या? आप? तुम्हारे सर को पैसे देने वाला बेवकूफ बोल रहा हूँ, एक बार साईराम को फोन दो। वो सर सर गांव गए हैं। गांव गए? चाचा जी की मृत्यु हो गई है ना, तो आज ही वो गांव चले गए हैं, और शौक में फोन शॉप में ही भूल गए हैं। ऐसा देख के पहले ही बेवकूफ बना चुका है वो, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, देख लूंगा उसे मैं। ओके सर। चाचा जी क्यों कहा? दादाजी कहना चाहिए। शांत हो जाइए सर, अब तक आपके दादाजी जिंदा है बोलूंगा तो कोई नहीं मानेगा। वैसे आपने उसके पास से उधार क्यों लिया सर? मांगने की बारी आई तो वो शैतान बन गया, पर जब मैंने पैसे दिए तो भगवान की तरह चुपचाप रहा। ठीक है, वो 10,000 है क्या? सेठ को देना ना मुझे? नहीं है सर। नहीं है ना, तो बेकार की सलाह भी मत दे, चल जा। टॉपिक अच्छे से चेंज किया। अरे अरे, संभल के। कौन से जंगल से आयो भाई तुम लोग? लगी तो नहीं, उठी। टक्कर लगती तो मर जाते। संभल के। गधा कहीं का। अरे छोड़ो यार, अरे कुछ नहीं हुआ।
अरे मेरे बाइक की चाबी। ए सुनो, ए रुको, कौन हो तुम? परेशान मत हो साहब, हमें मालक पेट के सेठ ने भेजा है। मालक पेट सेठ? वो कौन है? अपने सेठ से उधार लिया था ना, वो दे दो, चाबी लेके जाओ। वो कोई और होगा, बेवजह आपने मुझे गिरा दिया। अपने सेठ से जाकर पूछो कि वो है कौन। तुम साईराम नहीं हो क्या? कौन साईराम? मैं नहीं हूँ। ये गाड़ी तेरी है ना? हा? गाड़ी? हाँ मेरी है। तो ये गाड़ी साईराम के नाम पे क्यों है? अब लेके जाओ ना। ये तो चोर की आरसी है। तुम्हारे सेठ को किसी ने धोखा दिया है। ये कौन है? ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है। वसूली करता हूँ तो ऐसे बहाने लोग बनाते हैं, समझा? पैसा दे देना, चाबी लेके जाए। चल चाय के लिए बोल। अरे साई, कैसे हो? चाचा जी थोड़ी हेल्प चाहिए। वो मालक पेट के सेठ को आप जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ। अभी आप जाके अर्जेंट उसे 10,000 रुपए दे दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीक दे दूंगा। ठीक है, मैं सेठ से बात करता हूँ। वैसे तू कैसा है? मुझे भी बहुत से लोगों से पैसे लेने, पर किसी को ऐसे रोड पर रोक कर मैंने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया। वसूली करना है तो बोलिए साहब, मैं वसूली कर दूंगा ना। 100 पे 5 बनेगा बस। मैं खुद एक बहुत बड़ा गुंडा हूँ, समझा? मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। हाँ सर। ए, उसे चाबी दे दो। हाँ ठीक है, ये लो पकड़ो अपनी चाबी। साहब मेरा नंबर ले लीजिए। साहब आप भले ही कितने बड़े पहलवान हो, लेकिन वसूली करने निकलेंगे तो कोई डरेगा नहीं आपसे। अगर ये काम हमें दोगे तो हम भी 2 पैसे कमा लेंगे। 7 8 9 1 0 दूर रह के बोलना। 4 5 1 2 3 हमारे सभी ब्रांच में सेल अच्छी हो रही है, बस इसी ब्रांच में अभी तक पिकअप नहीं हुआ। किसी के पास अगर कोई आइडिया है तो बताओ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन शॉपिंग सर। ये तो सबको पता है, मैंने आइडिया मांगा है। ऑल राइट, 1,000 रुपीज फॉर गुड आइडिया। सर MRP को बदल के 25% तक मेगा डिस्काउंट से रख देते हैं सर। ये कस्टमर को धोखा देना होगा। मिडिल क्लास लोगों के लिए डिस्काउंट में खरीदारी करने की खुशी उन्हें हम देंगे और हम कैश भी बनाएंगे। हम उनको धोखा नहीं दे रहे हैं सर, प्रोडक्ट के साथ साथ हम उन्हें खुशी भी दे रहे हैं। ये सही नहीं है। कस्टमर के इम्पोर्टेंस के बारे में गांधी जी ने एक बात बताई थी, पता है? तुम्हें नहीं पता होगी, आप में से किसी को पता है? मुझे पता है सर, एक कस्टमर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। बस इतना ही सर। किसी को नहीं पता है क्या? A customer is the most important visitors on our premises. He is not dependent on us. We are dependent on him. He is not an interruption in our work. He is the purpose of it. He is not an outsider or business. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so. Sahi kaha. पर हम गांधी जी के समय में नहीं है ना सर। सर सर सर, हमारा 80% स्टॉक शाम तक क्लियर हो जाएगा सर। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसलिए रिटायर होने की सोच रहा हूँ। ये क्या सर, अचानक? अचानक नहीं, 1 साल से सोच रहा था। उम्र हो गई है, काम नहीं कर पा रहा हूँ। और एक बात, तुम दोनों की मैंने सिफारिश की है GM से, वो फर्स्ट वीक में आएंगे इंटरव्यू लेने। तुम दोनों में से एक मैनेजर बनेगा, भले ही कोई भी मैनेजर होगा, दोनों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। इस स्टोर को अच्छे से डेवलप करना होगा, इसे संभाल लेना। ठीक है सर। ओके सर, कांग्रेचुलेशंस सर। कांग्रेचुलेशंस।